ऊपर सूरज की मार, नीचे सियासी राग। जी हाँ, एक तरफ दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए घंटों लाइन में लगकर एक अलग युद्ध लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता जुबानी जंग में व्यस्त है। केजरीवाल सरकार ने पानी फ्री के चक्कर में जनता को आज पानी खरीदने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और उनके मंत्री जनता को पेयजल उपलब्ध कराने में विफल हो रहे हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वे पड़ोसी राज्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब तो जल मंत्री आतिशी ने आज से जंगपुरा विधानसभा के भोगल में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। जब तक दिल्ली वालों को हरियाणा से अपने हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक अनशन पर रहेगी। यह तो वही बात हुई कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर पिछले 3 हफ्ते से शोर मचाया जा रहा है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों कॉलोनियों को तो छोड़िए, अब दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों अफसरों सांसदों के बंगले और फ्लैट, यहाँ तक कि राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग और कलावती शरण जैसे सरकारी अस्पताल भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी की सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं किया है। हर साल गर्मी में पानी की समस्या होती है और आम आदमी पार्टी के नेता इसका दोष हरियाणा की सरकार पर थोप देते हैं और जनता परेशानी झेलती है। दिल्ली के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार का काम है, जिसे करने में वह बुरी तरह असफल रही है और अभी समस्या का समाधान करने की जगह वह आंदोलन कर रही है। जिस हरियाणा राज्य पर आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, उस हरियाणा ने दिल्ली को 17% ज्यादा पानी दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार जल प्रबंधन का काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही है। राज्य की अक्रम्यता के कारण पानी को बेतहाशा दुरुपयोग हो रहा है और टैंकर माफिया इस आपदा को अपने लिए कमाई का बेहतर अवसर मानकर पानी बेचकर अपनी तिजोरी भर रहा है। दिल्ली सरकार टैंकर माफियों की नाक में नकेल कसने की जगह उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। यह संकट प्राकृतिक नहीं है, बल्कि केजरीवाल सरकार द्वारा अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दिल्ली की हालत बहुत खराब है, पूरा शहर सूखा पड़ा है और केजरीवाल सरकार केवल नाटक कर रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी जमीन पर काम करने और कोई पर्याप्त कदम उठाने की बजाय अब अनशन कर रही है। जी हाँ, आतिशी ने अनिश्चितकालीन उपवास की शुरुआत कर दी है। वह तब तक उपवास जारी रखेगी जब तक दिल्ली को हरियाणा से पानी का सही हिस्सा नहीं मिल जाता। आतिशी ने कहा है वह सत्याग्रह की राह पर आगे बढ़ेगी, आज से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना मिलने वाला पानी भी कम कर दिया, पर क्या ये वक्त राजनीति करने का है? केजरीवाल जी का जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूँ कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहाँ मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली को के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं सुनीता केजरीवाल ने पानी सत्याग्रह से पहले कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आतिशी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, मैं जेल से देख रहा हूँ, दिल्ली में पानी की किल्लत है, मुझे पीड़ा हो रही है ये सब देखकर, ये सब एक ड्रामा ही है। अगर इतनी चिंता होती तो जमीन पर काम किया जाता। पानी की सप्लाई को सही करने के लिए दिल्ली सरकार ने 10 सालों में कुछ काम नहीं किया है। दोस्तों, ये सच है कि सरकार को पहले से पता था कि गर्मी पड़ेगी, पानी की कमी होगी, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की गई।
दिल्ली सरकार हरियाणा को जिम्मेदार बताती रही, हरियाणा की सरकार सफाई देती रही, पानी के लिए हरियाणा जिम्मेदार, कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, बिजली के लिए यूपी जिम्मेदार, प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार, और तो और एमसीडी के कामों के लिए तक पीएमओ को जिम्मेदार बताने लगते हैं। जब सारी समस्याओं के लिए दूसरे राज्य ही जिम्मेदार है तो फिर दिल्ली सरकार क्या करती है? इसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर है। और दुख की बात तो ये है कि ये सब देखकर भी नेताओं ने पानी के सवाल पर राजनीति करना नहीं छोड़ा। दिल्ली जल संकट पर नेता काम करे, राजनीति ना करे तो बेहतर होगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।